ओके हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ, और जिनका नहीं हुआ, अगर आप आगे प्रिपरेशन करने को तैयार हैं तो शुरू हो जाएं। आज रोना था रो लिए, अब आगे रोने का समय नहीं है। एक साल का टाइम है, उसको यूटिलाइज करें, अपना पूरा साल की स्ट्रैटेजी बनाएं, ऑप्शन को स्ट्रॉन्ग करें, एथिक्स पे ध्यान दें, एसे का प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ जीएस आंसर राइटिंग करें, और प्रीलिम्स का भी एक एनालिसिस करके अभी खत्म कर लें कि आगे क्या करना है। लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 4 मंथ्स में क्या गलतियां आपने की। तो गाइज ये वीडियो कुछ अलग है। तो आजकल क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 2-3 साल से काफी सारे टॉपर्स अपने स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, साथ ही साथ काफी सारे टेलीग्राम चैनल्स आ गए हैं जो आपको अच्छे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, बट बाद में लगता है कि जैसे कि वो पीडीएफ के अलावा अपना मोटिव भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो किसी और कोचिंग के मटेरियल्स को इस तरीका से प्रोवाइड करते हैं कि इन्हीं से क्वेश्चंस आया या समथिंग लाइक दैट। एंड कुछ दिन के बाद क्या होता है ना कि आपका पूरा का पूरा टेलीग्राम खिचड़ी दिखने लगता है। आप कितना चाह लें नोटिफिकेशंस को बैन कर लेना, बट पूरा का पूरा एक 300-200 GB का ना, सही में तो कहिएगा कि एक पूरा का पूरा आपके फाइल में ना एक यूपीएससी मटेरियल का के फाइल बन जाता है, जहाँ पे अनगिनत मटेरियल्स हैं, सब कुछ है, जो आपको सही लगता है आप डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं ये इससे नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैं किसी और को देखा हूँ, मैं खुद ये करता हूँ, किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हर कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपके दिमाग में नहीं है जब आप हाथ यूज कर रहे हैं, यानी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको याद भी नहीं। आप बार बार उसको डाउनलोड कर ले रहे हैं, नए मटेरियल्स को डाउनलोड कर रहे हैं, हर साल चीज़ें चेंज होते जा रही है, अपडेट होते जा रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो यार सॉल्व करना तो आप ही के हाथ में, आपको खुद उस चीज को कंट्रोल करना होगा, आपको खुद उस चीज को इग्नोर करना होगा। जैसे अनुदीप दृष्टि सर का अगर किताब पढ़े होंगे, उनके ब्लॉग्स पढ़े होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं कुछ मटेरियल खरीदने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये मटेरियल मेरे नॉलेज में एडिशन करेगा कि नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मैं अपने आप को रोकता हूँ और मैं वो नहीं करता हूँ। तो ये आज का वीडियो इस चीज के लिए था कि क्या कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर्स भी कहते हैं हम उन्हें स्किप कर देते हैं। तो आज मैं उन चैनल्स को बात करूंगा जो काफी अच्छे हैं, जिन्हें आपको फॉलो करनी चाहिए, और बाकी जिन्हें आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए आप ये खुद डिसाइड करें और उसे इग्नोर करें। सो ये रहा हमारा लिस्ट ऑफ द चैनल्स विच आई रियली फील दैट यू शुड फॉलो, यू शुड गो थ्रू इट। तो ये एक चैनल है डिकोड सिविल्स यूपीएससी आंसर राइटिंग करके। इन अगर आप इनके जानते होंगे तो इनका किताब आता है एथिक्स, जो काफी फेमस है। और आप देखिएगा तो यहाँ पे डेली मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर सर का मैंने देखा है कि जो थिंकिंग का पावर है ना, कि यूपीएससी क्या पूछ सकती है, यूपीएससी कैसे पूछेगी, ये काफी अच्छा है। जो क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज करके एक एनालिसिस देना, मोटिवेट करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, यहाँ पे आपको जो वो सब चीज चाहिए ना, यहाँ पे आपको एक जगह पे मिल जाएगा। इनका ये किताब भी है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो रियली आई थिंक दिस वन इज रियली गुड। ओके, ये चैनल और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं डेली न्यूज़पेपर आपको फॉलो करवाता था, अब बोलता था कि आप इस तरीका से करें, और ये लोग मेरा ये इंस्पिरेशन यहीं से आया था, ये टारगेट फॉर आईएएस टुगेदर वी कैन। तो यहाँ पे आप डेली देखोगे 9 बजे, 9:30 बजे सुबह में ही न्यूज़पेपर्स में जो इम्पोर्टेंस होते हैं उनके कटआउट्स आ जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, या तो इस कटआउट्स में भी जो आपको लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप उसको अलग से एक जगह सेव कर सकते हो, या इसी को आप अपना पैरामीटर बना के हर मंथ रिवाइज करके वहां से निकाल सकते हो, निचोड़ निकाल सकते हो। तो अगर आप किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उस दिन भी आप यहाँ पे आ सकते हो, जो ये 4-5 आर्टिकल दिया हुआ है आप उसको स्किम थ्रू कर सकते हो, रीड कर सकते हो अच्छे से। सो दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल या बेस्ट न्यूज़पेपर। सी हैंड होल्डिंग करा के ना, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है ना कि देखो आज ये देख लो, आज वो आया, ऐसे सोच लो, क्योंकि जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो आपको खुद डेवलप करनी होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता है, लेकिन फिर भी आर्टिकल को खुद आपको रीड करना होगा, खुद समझना होगा, खुद एनालाइज करना होगा, और खुद उसको यूज करना भी सीखना होगा उस चीज के लिए, ये काफी अच्छा है। सेकंड, काफी डिपेंडेबल आर्टिकल है, क्योंकि हमेशा टाइम पे आर्टिकल्स आ जाती हैं, कभी अगर छुट्टी होता है या कभी ऑफ होता है तो
तो ये लोग पहले ही आपको अच्छे से नोटिस कर देंगे कि ऑफ है, आप उसको कर सकते हैं। अब तीन चार मैं टीचर्स के यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल दिखाऊंगा, जिसमें से दो इकोनॉमी से रिलेटेड है और दो पॉलिटी से रिलेटेड है। इकोनॉमी से रिलेटेड पहला है इकोनॉमी बाय विवेक सिंह का, इनका चाहिए के क्लासेस भी लेते हैं प्रीप्लैटर पे। तो ये बेसिकली इकोनॉमी के आर्टिकल्स को कवर करते हैं और इतनी अच्छे तरीका से करते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमी 550 क्वेश्चंस किए होंगे, जो इन्हीं सर का है, उनके किताब भी आता है बाय विवेक सिंह 6th एडिशन, तो मैं बता दूं 550 करने पे प्रीवियस मतलब जो प्रीलिम्स में इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है, 90+ 90% ऑफ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आप इकोनॉमी 550 करते हो। साथ ही साथ इन्होंने क्या करता है कि जो इकोनॉमी के आर्टिकल्स आते हैं उनको ये आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी मुश्किल होता है हमें समझने का। जैसे WTO का मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत आसान शब्दों में करते हैं और ये काफी डिपेंडेबल है। जब आप इकोनॉमी का तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमी को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप नॉल सर को फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इनिशियल डेज में, बट बाद में आपको पता है कि वो 1000 और 2000 पेज का नोट्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, इकोनॉमी 550 क्वेश्चंस कीजिए, इनके टेलीग्राम चैनल पे इनको फॉलो कीजिए, वीकली फॉलो कर सकते हैं, और रियली रियली आई विल टेल यू बहुत ही बेस्ट है। अगेन सेकेंड इकोनॉमी में एक चैनल है इंडियन इकोनॉमी बाय अमन सोनी सर का, इनका भी जो आप क्वेश्चंस का मतलब देखिएगा ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एकदम यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बनाया हुआ क्वेश्चन है, मारपीट करके कुछ भी डेटा पूछा गया है, क्वेश्चन को कुछ भी तरीका से कॉम्प्लिकेट कर गया है। आई रियली टेल यू, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो आपको सही में लगेगा कि कहीं ना कहीं यूपीएससी इसी तरीका का क्वेश्चन पूछती है, इसी तरीका का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। मैं कहीं कुछ पैसा देने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, जो फ्री में अवेलेबल कंटेंट है आप उसको फॉलो कीजिए, उसको यूज कीजिए। अब मैं दो टेलीग्राम चैनल को बताऊंगा जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है। पहला है अभय कुमार बाय पॉलिटी फॉर सीएसई, इन सर का यूट्यूब पे एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियोज भी है 500 क्वेश्चन का, लिटरली वो 500 क्वेश्चन अगर आप पॉलिटी में कर लेते हो ना, तो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ना छूट नहीं सकता है। जो जनरल क्वेश्चन हो, कोई अटपटा क्वेश्चन पूछ दे यूपीएससी तो बात नहीं, आप पहला 30-40 क्वेश्चन ही जाके करो, और उसके बाद वाले ईयर में भी देखोगे ना, तो यूपीएससी उस टाइप का क्वेश्चंस को ही पूछी है। मुझे भी ये चैनल काफी बाद में पता चला, लेकिन सच बताता हूँ इनके क्वेश्चन जो है एक आपको सोचने का तरीका बनाता है। जब आप एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो या 2-3 बार पढ़ ली हो और आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो 550 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हैं, आप पीडीएफ देख सकते हो, या यूट्यूब में उनका वीडियोज है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। एक और वीडियो है, एक और चैनल है पॉलिटी बाय सौरभ कुमार। तो अवैध सर उतना करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें नहीं कराते हैं, जो आपको गवर्नेंस से सब में काम आती है वो सौरभ सर आपको करा देंगे। तो जो भी न्यूज गवर्नेंस से रिलेटेड है कि पेटी पेमेंट्स कैन पेटी पेटेंट्स कैन बूस्ट आरएनडी, तो उससे रिलेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करना, तो जैसे विवेक सर करते हैं ना, उसी के तर्ज पे सौरभ सर भी उस चीज को कर रहे हैं। इवन मेंस जब आएगा, मेंस में टाइम रहेगा तो रिलीज करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो आ सकता है एग्जाम में। और रियली 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 बहुत ही अच्छा चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो 5-6 चैनल मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आपको ना कुछ कचरा मटेरियल नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि ये ग्रुप बंद हो रहा है ये ज्वाइन कर लो, ये ग्रुप पे कॉपी स्ट्राइक हो गया है वो ज्वाइन कर लो। यार सही में तुम देखो किस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा होता है, क्या मतलब हद क्या ही बोले यार। पूरा का पूरा यूट्यूब पे मतलब टेलीग्राम पे जो चैनल का बचा हुआ है कि आपको यहाँ ये आ जाओ, वो आ जाओ, ये आ जाओ, बहुत अजीब है। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो सही में खोजना चाहते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं, आप इन 6 चैनल को फॉलो करें। ये न्यूज पेपर के लिए तो ये बेस्ट एम बेस्ट है, विवेक सर का भी बेस्ट है, एमसीक्यूज के लिए आप कर सकते हैं, और लास्ट में आप डिकोड सिविल यूपीएससी वाला भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। एक और रिक्वेस्ट आया था कि आप ऑप्शनल का पेपर एनालाइज करें। तो यार ऑप्शनल का पेपर एनालाइज करना तो काफी मुश्किल है, काफी टाइम टेकिंग है, मैं करूंगा। और मैं एक और वीडियो बनाना चाह रहा था कि क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल बिना कोचिंग को पैसा दिए किया जा सकता था। ऋषिकेश सर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छे टीचर थे, चले गए, जो गुजर गए कोविड में, उनके वीडियोस को अभी भी कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, उनका नोट्स आज भी कितना ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, रियली इट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो उनके नोट्स अभी भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियोस,
आप उनको पढ़ सकते हो। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो अगर कोई कमेंट आता है इस रिलेटेड तो मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, अपना समय सही से करें, अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, दो तीन टॉपर का स्ट्रैटेजी देख लें। एक और है, क्या कहते हैं उनका बुक है सर का, जो रैंक वन थे सर, जो स्टार्टिंग, उनका बुक आप देख सकते हो। उनका बुक काफी अच्छा है और मिल जाएगा आपको, आप बाय कर सकते हो। तो वो बुक आप पढ़ो आंसर राइटिंग के लिए, वो बहुत ही अच्छा बुक है। और ज्यादा मतलब टॉपर्स की स्ट्रैटेजी मत देखो कि हर साल आप टॉपर का स्ट्रैटेजी देख रहे हो, क्योंकि मोर और लेस काफी चीजें सेम सिमिलर होती हैं, काफी चीज डिफरेंट भी होती है, और सब टॉपर्स का अपना व्यू पॉइंट होता है ऑन द बेसिस उनको कितना समय मिला, उनका वर्क कंडीशन, उनका बैकग्राउंड। राइट, किसी का इंग्लिश अच्छा था बैकग्राउंड तो उसको इंग्लिश में दिक्कत नहीं हुआ तो आंसर राइटिंग उसके लिए आसान था, किसी का एनालिटिकल अच्छा था। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, पूरा साल उससे स्टिक करो और अपना बेस्ट दो। नहीं होता है, लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो चेंज करना। ठीक है, थैंक यू गाइस, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। थैंक यू।